तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यही चाहते हैं कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी सोनिया गांधी संभाल रही है वो इस जिम्मेदारी को संभाले। हालांकि देखिए अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक इस वक्त चल रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के स्कूल में फर्स्ट तो हेडमास्टर ही आएगा, भले ही कोई कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़े। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और कहा है कि सिंधिया को धोखा देकर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस अब पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है, कांग्रेस कितना भी प्रायोजित कार्यक्रम कर ले जनता अब सब कुछ समझती है और समझ चुकी है। उन्होंने कमलनाथ पर भी तंज कसा और एक तरह से कांग्रेस पर कटाक्ष किया है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। एक चौपाई आई है एक जगह के, साध चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सब की जानी। अब उनने पहले धोखा सिंधिया जी को दे के खुद मुख्यमंत्री बन गए थे इसलिए ऐसा लग रहा है। उन्हें सुंदर मोड़ा दिखा के बुजुर्ग से शादी कर दी गई थी पिछली बार। इस बार ऐसा नहीं है भाई, इस बार तो कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस बिखरी है। अपना दोष किसी और पे मत डालो, कभी सीरत बदल गई कभी नीयत बदल गई और अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग समझते हैं हकीकत बदल गई। अब प्रदेश की जनता सब समझती है, प्रायोजित कार्यक्रम रिस्पॉन्सर्ड कार्यक्रम आप कितने भी कर लो कमलनाथ जी, अब कुछ होने वाला है नहीं। ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं, माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं, बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा, वहाँ सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है।